मम्मी मैं जा रही हूँ। क्या बात, कैब आज अभी तक नहीं आई? वैसे तो कभी लेट नहीं होती। कौन हो तुम? ओ हेलो, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और ये गाड़ी घर के आगे क्यों लगाई? ये क्या कर रहे हो? एक तो कोई जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से टच करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो, तुम ऑफिस की तरफ से न्यू कैब ड्राइवर हो? तो इतनी देर से पूछ रही थी, जवाब क्यों नहीं दिया? खैर, तुम्हारा नाम क्या है? एक मिनट, तुम बोल नहीं सकते क्या? ओ वो मेरे अभी के बिहेवियर के लिए सॉरी। मुझे पता नहीं था कि ऑफिस ने न्यू कैब असाइन की है, और तुमने भी कुछ नहीं बताया तो नहीं समझ पाई। लेकिन आ, आ, तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? आ, आ, नहीं, तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने इतना ज्यादा बोल दिया तुमसे। एक आ, 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 मिनट, ये लो, आ, ये मेरा सॉरी कहने का तरीका है। देखो, आ, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। अच्छा हाँ, हाँ, मैं पूछना भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? गगन, नाइस नेम। ठीक है, बाय। क्या बात, कहाँ पे ध्यान है तेरा? ऑफिस में भी तेरा काम में कम ध्यान था, यहाँ पे भी। यार आकाश, मुझे ना 8 दिन पहले ऑफिस से न्यू कैब असाइन हुई थी। एक अच्छा, फिर हफ्ते से वो कैब वाला आया ही नहीं, बल्कि उसकी जगह कोई नया कैब वाला आ रहा है। हाँ तो फिर इसमें सोचना क्या, इतना बड़ा सिस्टम है ऑफिस का, चेंज कर दिया होगा। हाँ, लेकिन एक बात बता, हमें ड्राइवर की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? वो तो ना अपने ऑफिस के ट्रांसपोर्ट रूम में मिलेगी। लेकिन वहाँ तो किसी की एंट्री अलाउ नहीं है। अरे लेकिन तू क्या करेगी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का? पता नहीं, लेकिन चाहिए थी बस। वैसे किस ड्राइवर की चाहिए? गगन। अच्छा चल देखता हूँ, टी ब्रेक भी खत्म हो गया। देखता ये ले, ये क्या है? खुद ही देख ले। अरे, ये तो गगन की डिटेल्स है, लेकिन तेरे को कहाँ से मिली? तेरे को याद है हमारे डिपार्टमेंट में एक आदित्य था? हाँ, वो ट्रांसपोर्ट वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था, उसकी हेल्प से मैंने उसका एड्रेस निकलवाया। यार तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। कल का क्या वेट करना, मैं आज ही चली जाती हूँ। कैब को छोड़ो।
एड्रेस तो यही है, क्या करूं, अंदर जाऊं जाना अच्छा लगेगा भी या नहीं? अब यहाँ तक आई हूँ तो अंदर चली जाती हूँ, हाल चाल ही तो पूछना है। हेलो, नहीं नहीं थैंक यू। मुझे पता है आप सोच रहे होगे मैं एकदम यहाँ कैसे है ना। आप अब आते क्यों नहीं? आपने छोड़ दिया जॉब? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है अचानक से क्यों, कोई दिक्कत हो गई क्या? अच्छा तुम पढ़ाई कर रहे हो? लेकिन फिर एक दिन के लिए ज्वाइनिंग क्यों की थी उस दिन? समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा अच्छा मैं शायद सही समझ रही हूँ, तो वो एक दिन का ट्रायल था ना? नहीं बस मैं तो यही पूछने आई थी, चलती हूँ। तो मैं चलूँ फिर? अच्छा तुम्हारा नंबर मिल सकता है? ठीक है रहने दो, बाय। क्या यार एकता तू भी ना, एक तो ऐसे उसके घर पहुंच गई और घर जाने के बाद उससे नंबर भी मांग रही है, वो क्या सोच रहा होगा मैं कैसी हूं। गगन तुम देखो मेरी इंटेंशन को गलत मत समझना, आई नो मुझे तुम्हारे नंबर मांगने से पहले सोचना चाहिए था, इवन तुम्हारे घर आने से पहले भी, लेकिन क्या हुआ ना मुझे ये लगा कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, तुमने एकदम से आना क्यों बंद कर दिया, तो बस वही पूछने चली आई। वो क्या है ना मेरे मन में जो भी होता है ना वो बोल देती हूँ और जो आता है वो कर देती हूँ। ओ ये थैंक यू। तो नहीं जानता लेकिन आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ, अगर ये बेचैनी की वजह प्यार है तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, और अगर आप आई तो मैं समझ जाऊँगा, आप मेरी जुबान को समझो ना समझो लेकिन मेरे दिल को समझ गए हो। मन ही मन में बनाए दुनिया ये एक ख्यालों की, सानू किस गल ने फिर मिल दी सजाए, नींद उड जावे चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जादू लग जावे। वो ये पेपर तुमने रखा था? आई लव यू।
हाँ तू है तो मुझे फिर और